अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। लखनऊ संसदीय क्षेत्र के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में टेढ़ी पुलिया पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, साथ ही नए फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। फ्लाईओवर का निर्माण 280 करोड़ की लागत से हुआ है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इन फ्लाईओवर के बन जाने से जनता के लिए आवागमन सुगम होगा, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। राजनाथ सिंह ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में नितिन गडकरी ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अपनी प्रगति रिपोर्ट लखनऊ की जनता के सामने रखने आया हूं। राजनीति की नहीं सिर्फ विकास की चर्चा करूंगा। कहा कि शहरी आधारभूत संरचना लखनऊ में मजबूत हो रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत लखनऊ के सभी विधायक मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि 1.83 किलोमीटर लंबा और 4 लेन के फ्लाईओवर बनाने का काम जून 2019 से चल रहा था। इंजीनियर कॉलेज से मुंशी पुलिया और विकास नगर से कुर्सी रोड के इंटरसेक्शन को टेढ़ी पुलिया चौराहे के नाम से जाना जाता है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 24A किलोमीटर 5.05 जंक्शन सुधार सहित 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया है। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज उनके लिए टेढ़ी पुलिया में एक ओवर ब्रिज का उद्घाटन लोकार्पण राजनाथ द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए अध्यक्ष मौजूद है। सर, आज टेढ़ी पुलिया में आपकी जनता के लिए बहुत अच्छा दिन है। ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। ये माननीय राजनाथ जी द्वारा और नितिन गडकरी जी द्वारा आज जो है पुल का उद्घाटन किया जाएगा और खुर्रम नगर में भी शिलान्यास होगा पुल का, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ देखिए मातृशक्ति हैं, पूरा सब खुशी से लहरों में डूब चुके हैं कि इतना उपलब्धि और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितना विकास का कार्य कराया जा रहा है शायद किसी सरकार में कराया गया होगा। तो हम इसके लिए माननीय गोपाल टंडन जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस वार्ड में शंकरपुरवा फर्स्ट सेकंड में सड़कों का जाल बिछा दिए, इतनी सड़कें बनवाए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और आज आप लोग सब देख ही रहे हैं कि माननीय राजनाथ जी द्वारा पुल का उद्घाटन हो रहा है और जाम से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। यहाँ आए दिन इतना जाम लगा रहता है कि जिससे लोगों समय पे न घर पहुँच पाते हैं न तो समय से ऑफिस पहुँच पाते हैं, लेकिन आज उद्घाटन के बाद लोगों में बड़ा खुशहाली और हर्ष का विषय होगा इस उद्घाटन के बाद। इसमें कोई राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का यह काम बहुत ही सराहनीय और विकास नगर के लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो इनसे पूछते हैं, मैम आज यहाँ पर ओवरब्रिज का लोकार्पण हो रहा है तो क्या लगता है इस पर कितना आप लोग को सुविधा मिलेगी? ये बहुत अच्छा काम है, हम लोग इतने जाम में फंस जाते हैं कि कहीं जाना और समय से पहुँच नहीं पाते हैं। हाँ, समय से पहुँच नहीं पाते, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे सारी महिला सभी लोग को बहुत सुविधा रहेगा जल्दी पहुंचने में। बहुत पहले आपको क्या असुविधा होती थी जब ओवरब्रिज नहीं था? हाँ। उससे पहले किस तरह की दिक्कत होती थी? बहुत जाम लगता था, हम लोग 1-1 घंटे इसी जाम में फंसे रहते थे, उसकी वजह से हम लोग समय से पहुंच नहीं पाते थे कहीं किसी काम में, शादी ब्याह कोई पार्टी वगैरह की मतलब अर्जेंट मीटिंग में नहीं पहुंच पाते थे। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए माननीय गोपाल भैया राजनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई थी जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के इस फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017 में श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई। सेंट्रल रोड फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर उसी समय तुरंत ही उन्होंने आदेश कर दिया कि धनराशि निर्गत कर दी जाए और लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगकर उस धनराशि को निर्गत कराया। जून 2019 को कार्य प्रारंभ किया गया और कोरोना काल के होते हुए भी
नियत समय में यह कार्य पूरा किया गया है। और इस फ्लाईओवर की विशेषता यह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पर सिंगल पिलर पर यह सेंट्रल वर्ज पर खड़ा हुआ, जिससे भूतल पर मार्ग की अधिकतम चौड़ाई आवागमन के लिए उपलब्ध रहे। इतनी ऊंचाई पर बना है ताकि यदि डबल डेकर की भी कोई बस अथवा कोई ट्रक भी यदि पास करना चाहे तो पास कर सकती है, कोई कठिनाई नहीं। टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद हम आइए बात करेंगे विकास नगर की उन जनता से जिनके लिए यह फ्लाईओवर आज ओपनिंग होगा, शुरुआत होगी, और किस तरीके की सहूलियतें और सुविधाएं उनको मिलेंगी उनसे ये पूछते हैं। सर अपना नाम बताइए। डी आर सिंह मेरा नाम है। सर आज ये फ्लाईओवर को आज उद्घाटन करेंगे यहाँ राजनाथ सिंह जी। जी जी जी। तो उद्घाटन के बाद किस तरीके की और सहूलियतें आपको मिलेंगी इसमें? बहुत अच्छी तरीके से जो है कि सहूलियत मिलेगी हम लोगों को, जो है कि टेढ़ी पुलिया क्रॉस करने में घंटों घंटों लग जाते थे जाम में, जो है कि अब जो है कि हमको 5 मिनट भी नहीं लगेगा जो है कि टेढ़ी पुलिया से इंजीनियरिंग कॉलेज जाने में। उधर से समय लगता था, पहले कितना समय लगता था आपको जब ओवरब्रिज नहीं बना था? पहले तो जो है कि कोई समय निर्धारित ही नहीं थी, आधा घंटा भी लग सकता था, डेढ़ घंटा भी लग सकता था, दो दो घंटे भी लग जाते थे। जैसे जो है कि शादी ब्याह का मौसम होता था उस समय ज़्यादा ही जाम होता था, तो उस समय तो अनिश्चित है कि हम जो है डरते थे टेढ़ी पुलिया जाने के लिए कि हम जाम में न फंस जाए, कहीं आधा घंटा लग जाए या डेढ़ घंटा लग जाए, या कहिए दो दो तीन तीन घंटे जाम से जो है कि छुटकारा नहीं मिलता था। अब क्या कहेंगे इस पर? अब तो बहुत 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 धन्यवाद देंगे माननीय हमारे सांसद जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, जो है कि रक्षा मंत्री जो है कि भारत सरकार के, उन्होंने अथक प्रयास से जो है कि हम ये फ्लाई ओवर जो है कि बनवाया है, उनके लिए बहुत बहुत ही जो है कि धन्यवाद। हम लोग हम ही नहीं, हमारे जितने निकटतम जो भी जो है कि पब्लिक है वो जो है धन्यवाद करती है कि जो है उन्होंने इस फ्लाई ओवर का, यानी सरकार की ये पहल काफ़ी सराहनीय है, जनता भी इसके लिए सराहनीय कदम उठाने के लिए बोल रही है। और साथ में हमारे साथ एक शख्स और भी मौजूद है। सर ओवरब्रिज का उद्घाटन होने वाला है, आप लोग के लिए ओवरब्रिज खुल जाएगा जी, क्या कहेंगे उसमें? बहुत सरकार का धन्यवाद देंगे, बहुत अच्छा बना है, बहुत जल्दी बना है, सरकार की अपेक्षा के अनुसार बहुत फर्स्ट क्लास काम हुआ है, जनता की अपेक्षा के अनुसार बहुत बढ़िया काम हुआ है, जाम से निजात मिल गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की इस पहल से जनता को बहुत सहूलियतें मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ।